हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका डिफेंसिव रिसर्च स्पेशल सब्सिडी फॉर बैक स्टॉक। सो गाइस, आज है 5th June 2022 और इस वीडियो में आज हम एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स एंड टारगेट्स कल के लिए क्या हो सकते हैं और आने वाला हफ्ता कैसा रह सकता है बाजार के लिए। क्या बाजार 17,000 का लेवल तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। अब देखिए, बाजार का लास्ट अगर हम लोग सेशन देखें तो बाजार ओपन हुआ 16,793 के लेवल पर और उसके बाद बाजार ने 761 के लेवल पर और 793 का छोटा सा हाई बनाया। उसके बाद बाजार ने गिरावट लिया और गिरावट के साथ बाजार ने 16,567 का लो बनाने के बाद फाइनली 16,584 के लेवल पर क्लोजिंग दिया है। तो एक बात अच्छी है कि पिछले अगर हम 5 दिन का सेशन अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 दिन में जो स्टॉक ने लो बनाया है बाजार ने 16,457 का बाजार ने लो बनाया है। मीन्स बाजार ने रिस्पेक्ट किया 16,400 और 450 का जो एक सपोर्ट जोन है उसको बाजार ने फिलहाल पिछले हफ्ते में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट दिया। अब इसके बाद हम लोग इसको कंपेयर करते हैं अगर निफ्टी से, तो देखिए निफ्टी बैंक से अगर हम इस निफ्टी को कंपेयर करें तो अभी पिछले 3 महीने का जो रिटर्न फिलहाल आप देखेंगे तो निफ्टी 50 जो है आपको 3.5% की रिटर्न दे रहा है पॉजिटिव। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी फिलहाल 6.5% पॉजिटिव है। अगर हम ईयर टू डेट का देखें, मीन्स जनवरी से लेकर के अगर आप आज तक का देखो, अभी जून लास्ट 3 जून को मार्केट क्लोज हुआ है, तो इसमें निफ्टी ज़्यादा गिरा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बिकॉज निफ्टी के अंदर करीब 6.86% की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ, बट बैंक निफ्टी आपको दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी का जो कर्वेचर है ये रेड वाला है, तो बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट है वो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर मार्केट जब दौड़ती है ऊपर जाती है तो निफ्टी जो है उसके अंदर वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है निफ्टी के अंदर, निफ्टी एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज़ भागता भी है। तो गिरावट भी निफ्टी के अंदर ज़्यादा होती है और मार्केट के अंदर जब तेज़ी आती है तो निफ्टी के अंदर ही ज़्यादा तेज़ी फिलहाल देखी जाती है। अगर हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 5 साल के अंदर भी निफ्टी के अंदर करीब 70-72% की रिटर्न है, बैंक निफ्टी के अंदर 50% की रिटर्न है। तो फिलहाल तो निफ्टी के अंदर गिरावट ज़्यादा है। अब इसके बाद अगर हम देखें मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से, इसका अभी फ़िलहाल काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इसको बता रहे हैं कि अभी यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ी या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस के लिए प्ले नहीं करना है। मार्केट के लिए की रेजिस्टेंस बताया जा रहा है 16,800 का। अलग अलग एनालिस्ट हैं वो अलग अलग यहाँ पर अपनी राय देते हुए नज़र आ रहे हैं। अवॉइड अग्रेसिव बैट एज निफ्टी लाइकली टू फेस रेजिस्टेंस नियर 16,900-17,200 का रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर है। एंड इसके अलावा कुछ इन्वेस्टर्स हैं, कुछ मार्केट एनालिस्ट हैं जैसे गौरव रत्ना पर की, इनके हिसाब से 17,000 जो है आने के लिए बाजार अगले हफ्ते तैयार हो रहा है। और इनमें से कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनका मानना है कि निफ्टी अभी 17,000 के आसपास ही ऑस्किलेट कर सकता है एक वाइड रेंज के अंदर। और सपोर्ट जो है 16,400 के हिसाब से कुछ एनालिस्ट है मार्केट्स के जो उनके हिसाब से इसका सपोर्ट आ रहे हैं। तो अलग अलग मार्केट के एक्सपर्ट अलग अलग उनका फिलहाल यहाँ पर ओवरव्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये आता है कि अब यहाँ पर हमारे निफ्टी के लिए कैसा ट्रेंड रह सकता है। तो अभी देखिए 5 फैक्टर्स हैं जो कि इस हफ्ते में काम करने वाले हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर रहेगा RBI की MPC मीटिंग है। MPC मीटिंग क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम जब MPC की मीटिंग हुई थी, सडनली एक एक्सीडेंटल मीटिंग हुई थी, उसके अंदर उन्होंने 0.40% इन्होंने अपना जो रेट था रेपो रेट उन्होंने बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट भी आया था। और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि अगली मीटिंग के अंदर दोबारा से 0.40% का रेट हाइक ये लोग फिर से कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बाजार के लिए सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अभी अगर बाजार में दोबारा से RBI की तरफ से ऐसा एक्शन लिया जाता है जो ऑलरेडी उन्होंने 40 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने बढ़ाया है, 0.04% जो उन्होंने बढ़ाया है वो 13 जून से लागू हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो है बैंक का FD का काम जो बढ़ जाएगा और उसका जो बैंक लोन है इंटरेस्ट वो भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे में अभी होगा क्या? अभी जो हो सकता है अगली मीटिंग में सरकार RBI जो है इस तरह का फैसला ले सकती है, तो उससे क्या होगा, उससे सरकार का एक व्यू क्लियर हो जाएगा, RBI का एक व्यू क्लियर हो जाएगा कि फिलहाल इनका जो प्राइम फोकस है वो इन्फ्लेशन को कम करना है, वो फिलहाल अभी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट नहीं करना चाहते। और अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट में जो सेंटिमेंट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो RBI की जो MPC की मीटिंग है इस हफ्ते के अंदर जो होनी है वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट्स रहेगा। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ बताया गया है, हाउएवर स्टॉक मार्केट नेक्स्ट वीक इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन फुली लोडेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अक्रॉस ग्लोब, पूरे वर्ल्ड के अंदर
पूरी यूरोपियन इकोनॉमीज़ हो गया या फिर यूएस इकोनॉमीज़ हो गया, एशियन इकोनॉमी, सभी इकोनॉमीज़ के अंदर फिलहाल अभी बड़े बड़े इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं। जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होने वाली है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग होने वाली है, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, आर गोइंग टू डिक्टेट स्टॉक मार्केट मूवमेंट इन अपकमिंग वीक। तो अगला हफ्ता जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। स्पीकिंग ऑन मेजर ट्रिगर्स दैट मे इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट इन नियर टर्म्स, वाइस प्रेसिडेंट ग्रीन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, यहाँ से सेवरल इकोनॉमिक डेटा प्रिंट्स आर अवेटेड फॉलोइंग वीक विच विल हैव अ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट। वी हैव इंस्ट्रूमेंटल डेटा रिलीज फ्रॉम यूएस मार्केट्स फॉलोड बाय द आवर डिसीजन आरबीआई मीटिंग। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है वो है आरबीआई की एमपीसी मीटिंग, और उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो है ईसीबी मीटिंग। ईसीबी मीटिंग का मतलब होता है यूरोजोन सेंट्रल बैंक मीटिंग। तो यूरोजोन सेंट्रल बैंक मीटिंग होने वाली है, मैक्रो फ्रंट पर ही मीटिंग होने वाली है, उसमें कई सारे डिसीजन लिए जाएंगे। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गया, रशिया हो गया, वुड ऑल्सो बी फोकस ड्यूरिंग द कमिंग वीक। एंड इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट रहेगा वो है यूरोपियन फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी डाटा। यूरोप का जो फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी डाटा है वो भी आने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कुछ सेल ऑफ वगैरह ट्रिगर हो सक। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है यूएस इन्फ्लेशन डाटा। यूएस इन्फ्लेशन इज अ मेजर कंसर्न फॉर मेजर सेंट्रल बैंक अक्रॉस ग्लोब। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, जो कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो एक फ्रेश स्ट्रेंथ जो है ग्लोबल स्टॉक मार्केट में दिखाएगा। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन वॉर, ये अभी इनकी तरफ से अगर सीज फायर यहाँ पर आ जाता है, ऐसे में क्या होगा, मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी, ऐड टू पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट एंड ईज कमोडिटी प्राइसेस। और जो कमोडिटी प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा कमी आ सकती है। तो ये 5 फैक्टर है जो कि फिलहाल इस हफ्ते में काम करने वाले। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लास्ट 3 जून को FIIs ने कैश मार्केट के अंदर क्या किया है। इन्होंने यहाँ पर अगेन फिर से ज़बरदस्त तरीके से बिकवाली की है 3,770 करोड़ की। पिछले महीने में 40,000 करोड़ की बिकवाली करके गए थे कैश मार्केट में, और अगेन फिर से यहाँ पर बिकवाली है। DIIs की तरफ से थोड़ा बहुत खरीदारी आया है 2,360 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर खरीदारी करके गए, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर खरीदारी करके गए 4,253 करोड़ की। तो डेटा फिलहाल यहाँ पर अभी थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है। इंडिया विक्स हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को रिलीफ मिल रहा है क्योंकि 20 के नीचे फिसला है। जैसे ही 16 से लेकर 18 के बीच में आता है इंडिया विक्स, तो हमारा मार्केट जो स्टेबल हो जाएगा और हम कह पाएंगे कि मार्केट ने एक बॉटम बना लिया है। अब इसके बाद एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं FIIs और DIIs के बाद यहाँ पर निफ्टी के अंदर PCR का रेशो क्या कहता है। 0.74 का है, जो कि फिलहाल देखा जाए तो ठीक ठाक लेवल पर है। यहाँ हम लोगों को ज़्यादातर कॉल राइटिंग देखने के लिए मिल रहा है, और जो राइटिंग हो रहा है वो सबसे ज़्यादा 16,800 के लेवल पर हाईएस्ट फ्रेश ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है कॉल साइड में, जो कि हमारे लिए एक की रजिस्टेंस का काम करने वाला है कल आने वाले मंडे और ट्यूसडे ऑनवर्ड्स जो मार्केट रहेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बिल्टअप हुआ है 17,000 के लेवल पर हुआ है। तो ऊपर के लेवल पर 16,800 और 16,800 के बाद 17,000 का जो रेंज रहेगा, ये हमारे लिए मेक एंड ब्रेक का लेवल रहेगा। एक बार बाजार इसके ऊपर निकल जाएगा, सस्टेन कर लेगा, देन इसके बाद हम लोग कहेंगे कि मार्केट जो है बॉटम आउट करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे की साइड में हम लोग आ जाते हैं तो 16,500 का लेवल हो गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पुट रेटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है 16,500 के लेवल के आसपास। लगभग 11,23,550 शेयर्स के लिए पुट रेटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है इसके बाद 16,300। तो बाजार के लिए जो मेजर सपोर्ट का काम करने वाला है FIIs डेटा के हिसाब से 16,300 से लेकर 16,500 की रेंज है। बाजार इस रेंज को तोड़कर नीचे निकलता है, देन इसके बाद मार्केट में सेंटिमेंट और ख़राब हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। तो बैंक निफ्टी का जो PCR का रेशो है 0.56 का है, एज़ कम्पेयर टू निफ्टी इसका PCR का रेशो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। हालांकि यहाँ पर कॉल राइटिंग अभी भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। 36,000 का जो लेवल है, यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। 36,000 की रेंज एक बड़ी रेंज रहेगी निफ्टी बैंक के लिए। और नीचे हम लोग आ जाते हैं तो नीचे हमारे लिए 35,000 की रेंज रहेगी, जिसको बाजार एक बड़े सपोर्ट के लिए रूप में काम करेगा। तो रेंज बहुत सिंपल है, 35,000, 35K और 36K, ये एक रेंज रहेगी जिसके बीच में बाजार इस हफ्ते थोड़ा सा होवर कर सकता है। अब इसके बाद हम लोग देखें तो 36,000 के बाद एक जो इमीडिएट जो कॉल है वो है 35,500 के लेवल पर। यहाँ पर पुट राइटिंग ज़्यादा होकर के गया है, तो एक रजिस्टेंस स्मॉल रजिस्टेंस का काम कर सकता है 35,500 का मंडे ऑनवर्ड्स वाली जो मार्केट रहेगी। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तो एक बार नज़र डाल लेते हैं US के बड़े 5 कंपनीज़ का कैसा ट्रेड रहा है। गूगल शेयर के अंदर करीब 2.5% की गिरावट है। टेस्ला के अंदर करीब 10% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ है। इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है कि टेस्ला के जो इलॉन मस्क है वो कुछ भी बोल देते हैं, तो 10% के इन्होंने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने का फैसला लिया है।
इनके हिसाब से कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ रही है, तो 10% एम्प्लॉयज़ को ये लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट के यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव है। एप्पल की बात की जाए तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, लेकिन $140 का बहुत बड़ा सपोर्ट है, $140 से $136 का बढ़िया रेंज है बाय करने के लिए। और उसके बाद अमेज़न का शेयर बात की जाए तो यहाँ पर 2.5% की गिरावट है, बट अभी भी बढ़िया बाय जोन के अंदर चल रहा है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तो US के 10 ईयर्स के बॉन्ड यील्ड अभी भी 3 के आसपास से बढ़ी हुई है। और देखिए क्रूड ऑयल वापस से बढ़ करके बंद हुआ, 9000 का लेवल आपको बोला गया था कि क्रूड ऑयल 9000 का लेवल टेस्ट करेगा वापस, और अगेन वापस टेस्ट कर लिया है। इवन क्रूड ऑयल एक बार हमको फिर से 9600 से लेकर के 9850 तक के लेवल दिखा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद अमेरिकन मार्केट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बंद हुआ, नैसडैक भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बंद हुआ है, और US डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो सेंटिमेंट थोड़े से ख़राब है। अब हमारी मार्केट कहाँ पर बंद हुआ, 16584, और वहीं अमेरिकन एसएक्स निफ्टी 16472 के लेवल पर बंद हुआ, करीब 116 पॉइंट्स की और गिरावट के साथ हमारा बाज़ार बंद हुआ है। डेली चार्ट में एक लॉन्ग बेयरिश कैंडल यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है, और अपर बॉलिंगर बैंड आप देख रहे हैं कि अपर बॉलिंगर बैंड के वापस उसी लेवल पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद ये आपका एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट कौन सा बनकर क्या रहा है, 16200 का चार्ट के हिसाब से, और FNA डेटा के हिसाब से 16300-500 का सपोर्ट है। अब यहाँ से एक बार हम लोग इसका पहले वीकली चार्ट और लगा लेते हैं, तो ये इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो देखिए वीकली चार्ट में जिस तरह की कैंडल यहाँ पर बन रही है, वीकली चार्ट में एक नेगेटिव कैंडल अगेन बनी है, बिकॉज इसका जो विक है वो ऊपर की साइड में ज़्यादा है और नीचे के साइड में इसकी जो बॉडी है वो बहुत छोटी सी है, मींस ऊपर का प्राइस का रिजेक्शन मार्केट ने स्ट्रांगली किया है और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बाज़ार ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस 16900 और 950 का रेजिस्टेंस के आसपास ही वापस से बाज़ार ऊपर के लेवल से घूमा है। तो ऐसे में हमको क्या करना है बाज़ार में, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वापस से चार्ट के ऊपर। देखिए बाज़ार यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का फेस में आ चुका है, और यहाँ से बाज़ार का एक जो सपोर्ट हमारे हिसाब से जो निकल कर के आ रहा है वो है 16425 से लेकर के 16400 का लेवल का। बाज़ार इसको तोड़ेगा उसके नीचे निकलेगा तो 16200-250 का एक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जब तक बाज़ार इस रेंज को नहीं तोड़ता, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता हम लोगों को, बेशक इंट्राडे में बाज़ार एक बार इसको तोड़ दे चलेगा, बट क्लोजिंग इसके नीचे बाज़ार नहीं देना चाहिए। इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं तो सेंटिमेंट और ख़राब हो सकते हैं। बाज़ार के लिए कल जो टारगेट हमको बाज़ार दिखा सकता है, 16500 का पहला टारगेट हमको वापस दिखा सकता है, 16532 का नेक्स्ट टारगेट दिखा सकता है, और इसी तरह से 16575 तक के टारगेट कल के सेशन में हम लोगों को निफ्टी वापस दिखा सकता है। इसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस जो है थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंड हुई है, ये भी सेम इसी तरह से एक रेंज में यहाँ पर थोड़ा सा फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। तो अभी यहाँ पर जो एक सपोर्ट है वो है यहाँ से हमारे लिए 35000 का स्ट्रेट फॉरवर्ड, 35000 के नीचे निकलने पर हम लोग 34750 जो टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, 34750 से लेकर के 825 तक के लिए हम प्ले कर सकते हैं। लेकिन बाज़ार जब तक 35000 के लेवल को तोड़ करके नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक हमारे लिए बाज़ार वीक नहीं होगा। कल के टारगेट्स क्या हो सकते हैं, वापस हम लोगों को बैंक निफ्टी जो टारगेट दिखा सकते हैं, फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी हम लोगों को 35300 का दिखा सकता है, 35450 का, और 35600 तक का टारगेट हम लोग को कल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। कन्वेक्शन किस साइड की है, पहले हमारा बाज़ार डाउन के साथ ओपन हो सकता है, थोड़ा और जो वीकनेस है वो एक्सटेंड हो सकती है, उसके बाद बाज़ार हो सकता है सेकंड हाफ के अंदर वापस जो है तेज़ी के अंदर आए। सो फिलहाल गाइज ये है कल के लिए और आने वाले इस हफ्ते के लिए निफ्टी का कैसा मूड माहौल रह सकता है। इसके अलावा जो भी आपके डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम पूरी कोशिश करें क्लियर करने की। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब पहले थैंक यू फॉर लिसनिंग।